फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर्स हैं और हम देखने जा रहे हैं किसी के भी बारे में। अगर आपको ये जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग्स हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है, जिसके लिए भी आपको ये जानना है। 5 नंबर है तो आप किन्हीं 5 लोगों के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर हैं यहाँ पे आपके लिए। आप 5 लोगों के बारे में सोचें या किसी एक के बारे में सोचें। 1 2 3 4 5 आइए देखते हैं उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है, कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे विचार रखते हैं वो आपके लिए। नंबर 1st, नंबर 2nd, नंबर 3rd, नंबर 4, नंबर 5। तो यहाँ पे 5 कार्ड्स आपके सामने आ गए हैं। बस आपको उसी कार्ड की रीडिंग को सुनना है जो आपने चुना है। आपने सभी कार्ड को चुन लिया है तो आपको सारी रीडिंग्स देखनी ही होगी, ठीक है, अगर आपको जानना है तो। नंबर 1st आपने जिसके लिए चुना, ये देखते हैं उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी समय समय पर। नंबर 1st जजमेंट का कार्ड चल रहा है, मतलब आपके बारे में जो सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आप जो हैं वो दिखाते नहीं हैं। आपके दिल में बहुत कुछ है जो आप कभी बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको समझना बहुत मुश्किल है। सामने वाले को आप बहुत ज़्यादा जज करते हैं उनकी बातों से, उनको, मतलब अगर वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तब भी आप उसके बारे में कुछ अगर बातें बुरी लगती हैं तब भी आप उसको कह देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि वो इंसान आपकी कितनी केयर करता है, कितना प्यार करता है, उसको बुरा भी लग सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि रीडिंग में जो आ रहा वैसे ही आप हैं। कभी कभी कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि ये क्या, हम तो ऐसे हैं ही नहीं, तो ये तो आपके पर्सन समझते हैं आपके बारे में, वो ऐसा क्यों समझते हैं इससे आप बताइएगा। तो एक तरीके से आपके लिए वो सोचते हैं कि आप जो हैं, पहले तो वो आप दिखाते नहीं हैं। आप अगर बहुत अपने आप को दुखी दिखाते हैं तो वो आप दुखी हैं नहीं, और अगर आप अपने आप को बहुत खुश दिखाते हैं तो आप बहुत खुश हैं नहीं। ये इंसान आपको लेके कंफ्यूज हैं, लेकिन आपके लिए एक अच्छी एनर्जी भी है साथ में कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। आपको जो लगता है वो सही है गलत है, ये आपको नहीं, मतलब उनको ये नहीं कि, मतलब जो चीज़ आप किसी के साथ गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी कोई चीज़ क्या होती है ना, आप ही को नहीं पता है कि वो चीज़ गलत है या सही है। आप अपने हिसाब से कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन आपके सामने सच है ही नहीं। तो ऐसा इंसान जिसके सामने सच है ही नहीं, तो वो क्या गलत सही करेगा किसी के साथ। उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप लोगों की सुनते नहीं हैं, और जो आपके करीबी हैं उन्हीं को आप बुरा भला या जो भी इनके हिसाब से वो आप कहते हैं। आपके लिए एक विचार है कि आप थोड़े से मैं वाले नेचर वाला इंसान हैं आप, मेरा मन, मेरी भावनाएं, मेरा समय, तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि आप हैं। जब आपको ज़रूरत है तो ठीक है, बात करनी है, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो बात नहीं करनी है। आप जीवन को अपने हिसाब से देख रहे हैं, आपको जो करना है उसके हिसाब आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, सामने वाले की लाइफ में भी आप इंटरफेयर करते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये एनर्जी इनकी अभी जल्दी ही चेंज हुई है आपके लिए। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो, आप इनसे रिलेशनशिप में हो, फिर बात नहीं हो रही है, दोस्ती थी अब नहीं हुए, आप ये उनको ऐसा लगता रहता है ना कि आप शायद चीज़ों को एक तरीके से जजमेंट तो देते हैं लेकिन वो जजमेंट सही नहीं होता है। मतलब जज तो करते हैं लेकिन सही से आप जज नहीं कर पाते हैं, आपको सच्चाई का पता नहीं है, आप चीज़ों को समझते नहीं हैं। ये रिलेशनशिप का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं और इस तरीके की एनर्जी आपके लिए अभी फ़िलहाल वो रख रहे हैं, ठीक है। आप एक सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं और दूसरा नहीं देखते हैं, तो ये एनर्जी अभी जल्दी ही चेंज हुई है। आप बताइए कमेंट करके, आपने किसी के लिए, किसके लिए देखा था, जिसके लिए भी देखा था, एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर सेकेंड आपने जिसके लिए भी देखा उसके लिए, चलिए देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सनलाइट टीएल वंदना, चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। आइए जानते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं।
एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, वो इंसान आपके बारे में बहुत पॉजिटिव, लेकिन एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़िद्दी है, जीवन में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ना चाहता है। उसे ये नहीं पता है कि तेज़ गति से जाने का मतलब है तेज़ गति से लौटना भी। आप जल्दीबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं जो आगे चल के फिर आपको भी नुकसान देते हैं। आप सब कुछ बहुत जल्द ही पाना चाहते हैं, सब कुछ मतलब आपके अंदर एक तरीके से इंतज़ार नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको वो ऐसा समझते हैं कि आपको समझते नहीं हैं, लेकिन बस निकल पड़ते हैं कि हाँ ये काम करना है। आपको थोड़ा सा ये ऐसा समझते हैं कि आप अपने फ़ायदे के लिए गलत काम भी कर सकते हैं। देखिए ये आपकी पर्सन की सोच है, फिर मैं आपको बार बार याद दिलाती रहती हूँ कि कार्ड्स नहीं बता रहे हैं कि आप ऐसे हैं। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब यहाँ कुछ गलत करने से नहीं है, मतलब आप सामने वालों को, अगर आपका मन है कि उस इंसान से दोस्ती रखना है, उससे आपको फ़ायदा है, तो आप उससे दोस्ती रखेंगे। अगर आपको लगेगा उस इंसान से दोस्ती रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उससे दोस्ती तोड़ देंगे, ठीक है। आप जीवन में अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि कैसे आपको एक बड़ा इंसान बनना है, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, कैसे आपको जल्दी जल्दी जीवन में सब कुछ चाहिए, धन संपत्ति सब कुछ चाहिए। आप एक फायर एनर्जी में रहते हैं, गुस्से वाले इंसान हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड आपने जिस पे जिसको भी रखा था नंबर सेकंड पे, ज़रूरी नहीं है कि ये लव पार्टनर हो, ठीक है। लव पार्टनर के हिसाब से मैंने रीडिंग की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लव पार्टनर हैं। मुझे यहाँ दोस्त का रिश्ता दिख रहा है, यहाँ पे वो आपसे एक सच्चा प्यार नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक दोस्ती वाला ही रिश्ता दिख रहा है। देखिए दोस्ती में भी प्यार होता है, लेकिन वो जो एक लव होता है वो वाला लव नहीं होता। दोस्ती में इंसान अच्छा बुरा सब जानता है अपने दोस्त के बारे में। तो अभी फ़िलहाल जो आपके पर्सन है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन हाँ ये समझ लें कि आप जो हैं जैसे हैं वैसे आप हैं, मतलब आप ही हैं, बनावटी नहीं है आप, कुछ बनावटी नहीं दिखाते, जो है वो आप दिखाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर थ्री। तो जिसे नंबर तीन को चुना, आपने जिसको भी रखा है नंबर तीन पे, या फिर बस नंबर तीन ही चुना है जानने के लिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। फाइव ऑफ कप, आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में बहुत दुखी हैं और आप जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, और उदास हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, अकेले हैं, अलोन हैं, जीवन में कोई आपका अच्छा दोस्त नहीं है, हर इंसान ने आपको धोखा दिया, लेकिन आप जो जिसके हैं, जो सच में आपको प्यार दे सकता है, आप उसकी तरफ नहीं देखते, ठीक है। जो मिला है आप उसके साथ जज नहीं कर रहे हैं, जो सच में आपके काबिल था, जो सच में आपके साथ है, आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। आप जो नहीं मिला है उसके लिए बहुत दुखी हैं, लेकिन जो मिला है उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं उस ओर, ठीक है। तो आपको वो ऐसा सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो हमेशा पास्ट में जीता है, पास्ट की बातों को सोच के दुखी होता है। वो चीज़ शायद अस्तित्व में है भी नहीं, वो आगे रहेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं उसके बारे में। उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो आपको अभी तक छोड़ के नहीं गए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और शायद वो आपको लाइफ में कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने यहाँ शायद इसलिए कहा क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी अपनी जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादा समय तक आपका इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा लगता है कि अगर बहुत समय तक आप इसी तरीके से उनको इग्नोर करते रहें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं नंबर तीन, ठीक है। फाइव ऑफ कप की एनर्जी है, इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको खुशी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, लेकिन साथ में नेगेटिव भी यही है कि आपके पास जो है आपको उसकी तो कदर नहीं है, लेकिन जो नहीं था आपके पास, जो दूर हो गया आपसे, आप उसकी फिक्र करते हैं। जो कल बीत चुका जिसमें आप बहुत दुखी थे, आप उसको सोच के दुखी होते हैं, तो जो है ही नहीं आप उसमें दुखी हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत कभी कभी इरिटेट करती है और बहुत परेशान हो जाते हैं कि मतलब कैसा इंसान है, आप क्यों नहीं समझते इस बात को। लेकिन आपके लिए बहुत प्यार है इनके दिल में, और हमेशा ये इंसान आपके साथ हैं। आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि आप देखेंगे नहीं उनकी ओर, लेकिन ये इंसान हमेशा आपके साथ हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ देखते नहीं हैं, आपको उनकी बिल्कुल केयर नहीं है।
आप तो शायद उनको याद भी नहीं करते हैं, शायद आप भूल गए हैं उनको, ठीक है, तो ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। आइए देखते हैं नंबर फोर। नंबर चार आपने चुना है, जिसके लिए चुना है ये जानने के लिए कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। चलिए जानते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। नंबर चार, आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या डिसीजन लेना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता, आप बेवकूफ़ हैं। देखिए, बेवकूफ़ का मतलब यहाँ आप ये आप गलत तरीके से मत ले लीजिएगा, वो पॉजिटिव तरीके से आप उनको बेवकूफ़ समझते हैं। उनको लगता है कि बिल्कुल इनोसेंट इंसान है, इनको कुछ समझ में नहीं आता और उनको लगता है कि ये बहुत ज्ञानी है, ठीक है। आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, वो बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको समझते हैं कि यार इनको कुछ समझ में नहीं आता, इनकी लाइफ में इनको करना क्या है, और मतलब ऐसे डिसीजन लेते हैं लाइफ में जैसे उनको लगता है कि किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सीरियस नहीं है, हर चीज़ को मजाक में लेते हैं और हर चीज़ मजाक नहीं होती है, इनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुश रहना चाहते हैं, लेकिन लाइफ की जो सिचुएशन है ना वैसी है नहीं। आप जो चीज़ बहुत इग्नोर कर रहे हैं वो इतनी इग्नोर करने वाली बात नहीं है, जिस चीज़ को सोच के आपको लगता है कोई बात नहीं लेकिन वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपके इंसान जो है ना वो आपके बारे में ये सब सोचते हैं कि आप चीज़ों को बहुत मजाक में लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा जानते हैं कि मतलब आप छुपाते हैं चीज़ों को, इग्नोर करते हैं, हंसते हैं तो लेकिन अपने दुख को छुपाते हैं, लेकिन उनसे नहीं छुपा पाएंगे। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, आप कुछ भी सोचते हैं वो आपके पर्सन सोचते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी बातें हैं ना ये कार्ड्स ये नहीं बता रहे हैं कि आप कैसे हैं, ये आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में कार्ड्स ये बता रहे हैं। उनके माइंड में आपके लिए ये इमेज बनी हुई है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुश रहना चाहते हैं लाइफ में, बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत अच्छा करते हैं सबके साथ, जीवन में बहुत अच्छा करेंगे भी, आपके मन में बहुत सारी सपने हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, आप सब पूरा करना चाहते हैं, ये आपके साथ हैं हमेशा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं समय के साथ, आप समय के साथ नहीं चलते, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की सोच है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो सकता है जिसने आपको अभी तक प्रपोज नहीं किया लेकिन करेंगे ज़रूर, ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपके लिए बहुत एक तरीके की केयरिंग नेचर है, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको एक तरीके से एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि मैं हूँ तो फिक्र नहीं करना, ऐसा वाला है इस इंसान की सोच आपके लिए नंबर चार, ठीक है। नंबर पाँच आपने जिसके लिए भी चुना है, जानते हैं उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए, अगर कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, इससे आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी इस चैनल से। आइए देखते हैं नंबर पाँच। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये समझते हैं आपके व्यक्ति आपके लिए, उनको ऐसा लगता है जीवन में सब कुछ तो सामने है लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है सामने आप कुछ चीज़ों को आंखें बंद करके इग्नोर करते हैं जो करनी नहीं चाहिए, आप चीज़ों को माइंड में रखते हैं जो कि वर्तमान में स्थिति में है ही नहीं, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए उनको ऐसा लगता है कि अपने माइंड में आपने कुछ ऐसे ख्याल बना के रखे हैं, कुछ ऐसे विचार बना के रखे हैं अपनों के बारे में, अपने का मतलब यहाँ अपने मतलब बहुत सगे संबंधित से समझ लीजिएगा, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि सबके साथ नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए होते हैं जिनके अपने उनके दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बुरी बात है कि आपके अपने आपके दुश्मन बन जाएं, लेकिन जो है सो है, तो आपके अपने आपके दुश्मन हैं और आप देखना नहीं चाहते हैं, आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं जो कि सही नहीं है, वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को देखें समझें और जो समझ गए हैं तो उसको माने भी, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी, आपको परेशान करेंगी और आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बनेंगी। आपके व्यक्ति जो है ना जिसके लिए भी आपने नंबर पाँच को चुना है ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये चाहते हैं कि आप जीवन में सच्चाइयों को देखें, आप सच्चाई का सामना करते क्यों नहीं, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। कोई बात होगी आप बताइए कमेंट करके, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं कि नहीं बस आपको सच्चाई दिखनी चाहिए,
आपको देखना चाहिए, ठीक है। होता है ना कभी कभी, ज़्यादातर जो हस्बैंड वाइफ के मामले होते हैं ना, उसमें ऐसी बातें होती हैं कि हस्बैंड आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप नहीं मान रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और आप वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही हैं कि नहीं मानिए ये बात सच है, तो वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझनी चाहिए कि अगर आपका पार्टनर आपसे कह रहा है तो वो बेमतलब तो नहीं कह रहा होगा। अब ये आप बताइएगा, हो सकता है कि बेमतलब ही कह रहा हो आपका पार्टनर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको यही लगता रहता है कि आप चीज़ों को देखते नहीं, समझते नहीं, हकीकत को जानते नहीं हैं, तो आपको वो बहुत बेवकूफ़ समझते हैं, इस मामले में बेवकूफ़ समझते हैं कि आपको लोगों की समझ नहीं है। और उनको ये भी लगता है कि आप समझते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और हकीकत आपके सामने जल्द से जल्द आए, वो ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये जो भी इंसान है ना, वो आपके बहुत ही ज़्यादा एक शुभचिंतक के जैसे आपके बहुत करीबी मित्र हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, और लाइफ पार्टनर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, नंबर 5, ठीक है। तो ये आपके बारे में ये सब सोचते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।